जोबिया, ए जोबिया, क्या हुआ एनी? जानती हो, अपनी बिल्डिंग में एक लॉन कंपनी की प्रमोशन हो रही है। हर तरफ बैनर्स लग रहे हैं। वो क्यों? बुद्धू, ये एक इश्तेहारी कैंपेन का हिस्सा है और कुछ नहीं। तो फिर ये कि बहुत सी चिचोरी औरतें अभी से वहाँ जमा हो गई हैं। किस लिए? ताकि वो भी क्विज प्रोग्राम में शामिल होकर लॉन का सूट जीत सके, इसलिए। क्या ऐसा है? हाँ, तुम जाओगी क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे और बहुत से जरूरी काम है। फैसल, हमारी बिल्डिंग में ना एक नई लॉन की कंपनी की प्रमोशन हो रही है। अच्छा। और वो लोग ना कोई एक क्विज प्रोग्राम भी अरेंज कर रहे हैं। गुड, किसके लिए? वो लोग सवाल जवाब करेंगे खवातीन से और फिर लॉन का सूट देंगे गिफ्ट में। तो उन्होंने क्या सोचा है कि तुम सबसे क्या पूछेंगे, कि आलू गोश्त की रेसिपी क्या है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैं सोच रही थी, क्यों ना मैं भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले लूं। जूबी, जूबी, जूबिया, जूबिया, आई? अम्मा। हाँ बेटा। दवाएं खा के आपको आराम मिला? कहाँ, आराम तो लगता है अब नसीब में ही। घास खास के दम घुटने लगते हैं। बस आप फिक्र ना करें, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये अम्मा, आपको तो एक बात बताना मैं भूल ही गई। पता है हमारी बिल्डिंग में ना एक नई कंपनी की प्रमोशन हो रही है। वो जनरल नॉलेज के सवाल जवाब करेंगे औरतों से और फिर तोहफे में 3-पीस सूट देंगे, वो भी लॉन का। लॉन का सूट? जी। अच्छा, क्या करेगी तू? तेरी बरी में इतने शानदार, कामदार, कीमती रेशमी जोड़े दिए मैंने। कामदार जोड़े? गर्मी में कौन पहनता इतने कामदार जोड़े? क्या करें, बरी में सूती जोड़े तो देने से रहे, रेशमी जोड़े दिए जाते हैं ना, और नई नवेली दुल्हन पर जचते भी। जब दुल्हन को रात दिन चूल्हे के सामने खड़ा होना पड़े तो फिर यही कामदार जोड़े उसके जिस्म को काटने लगे। अम्मा, मुझे तो सूती और नरम मुलायम जोड़े पहनने का बहुत शौक है, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। और आप देखना, इस क्विज प्रोग्राम में मैं हिस्सा जरूर लूंगी। उल्टा जमाना आ गया,
दुल्हनें मरती हैं रेशमी जोड़ों, तू तो बिल्कुल ही बावली हो गई। अच्छा चुटिया ढीली करना, खिचरे बाल। ओ अच्छा, फिर से कर देती हूँ। हाँ पानी लाऊं आपके? ज़ोबिया। हाँ, कहाँ गायब हो गई थी तुम? यार मार्केट गई थी, लॉन का सूट लेकर आई हूँ, वो भी मियाँ के पसंद से। मियाँ के साथ? हाँ। अच्छा, लेकिन अभी पिछले हफ्ते तो तुम 5 सूट लेके आई थी लॉन के। हाँ लाई थी, फिर अहमद कहने लगे मेरी पसंद का नहीं लिया है, इसलिए मुझे साथ ले गए थे। फिर हमने वहाँ लंच किया और आ गए। ये देखो नीचे भिजवा रही हूँ मैं, देखो जरा कैसा सूट है। ज़ोबिया, ए ज़ोबिया, क्या हुआ? कैसा लगा मेरा सूट? बहुत अच्छा लगा मुझे। अहमद भाई कितने अच्छे हैं, एनी का कितना ख्याल रखते हैं। और एक फैसल है, उन्हें तो मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं। फैसल रख दो। फैसल। हाँ। फैसल पता है एनी ने बहुत सारे लॉन के सूट बनाए। अच्छा। अहमद भाई ने अपनी पसंद से दिलवाए हैं। फैसल एक बात कहूँ, मैं कुछ प्रोग्राम में हिस्सा ले लूँ प्लीज, मुझे भी एक लॉन का सूट चाहिए। क्या तुम हाथ धोकर एक बात के पीछे पड़ गई? क्या हो गया फैसल? क्या मैं अपनी एक ख्वाहिश भी नहीं पूरी कर सकती? ख्वाहिशात और जरूरियात में जमीन आसमान का फर्क होता है ज़ोबिया। और कौन सी ख्वाहिशात पूरी नहीं की मैंने तुम्हारी? तुमने कहा मुझे अपार्टमेंट चाहिए, अच्छा सा अपार्टमेंट लेकर दिया, तुम्हारी मर्जी से इसको फर्निश करवाया। आज तक तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करता आया हूं ना मैं, अब और दम नहीं है मुझ में। ये दिन रात जो मैं दो दो नौकरियां करता हूं ना, ये जरूरियात पूरी करने के लिए करता हूं, और वो भी मुश्किल हो रही हैं। ठंडी है, गर्म करके रहने दो। एक काम भी सही से नहीं कर सकती, जाओ मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, जाओ।
पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज अलहंदरी ने लिखा है। हफीज अलहंदरी पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज अलहंदरी ने लिखा है। पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम कायदे आजम मोहम्मद अली। सो कायदे आजम मोहम्मद अली जना पाकिस्तान। क्या हुआ? क्या पढ़ाई हो रही है? कुछ नहीं, एक वजीफा है, मेरी सास ने बताया था, बस वही पढ़ी थी। क्या शोहर को काबू में करने का वजीफा है? हाँ, मेरे शोहर कौन से बेकाबू हैं जो मुझे वजीफा पढ़ने की जरूरत पड़े। अच्छा सुनो तो, सारी औरतें तैयारियों में लग चुकी हैं। किस चीज की तैयारी के लिए? क्विज प्रोग्राम की तैयारी में बुद्धू, और किस में? तुम्हारा क्या इरादा है? किसका? क्विज प्रोग्राम में जाकर सूट जीतने का। मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं कोई लालची थोड़ी हूँ। ठीक कह रही हूँ, हमारे मोहल्ले की एक से बढ़कर एक लालची खातून चाह रही है कि सारे सूट उसी ही मिल जाएं। उनको जानती हो जिनका फूले हुए मेंढक की तरह मुंह है? क्या नाम है उनका? खुशी आंटी। हाँ वही वही, बुक स्टॉल पर खड़ी जनरल नॉलेज की पुरानी किताबें पढ़ रही थी। अच्छा, और? और वो छोटे कद की मोटी सी जो आंटी हैं, जिनके दर्जन भर बच्चे पूरे मोहल्ले के बेल्स बजाकर भाग जाते हैं। शायस्ता अब्बा, वो भी तैयारी कर रही हैं? हाँ भाई, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हैं। कह रही हैं 5 सूट तो मेरे हैं। उफ अल्लाह, कितनी लालची है ना ये सारी औरतें। शोहरों की अच्छी भली तनख्वाहें हैं, फिर भी इनकी हवस खत्म नहीं हो रही। तौबा तौबा। तनख्वाहें तो छोड़ो जोबिया, कंची आंखों वाली की तो सुनो, हर रोज नया लॉन का सूट पहनकर हम सब औरतों को जलाती है, फिर भी भरपूर तैयारी कर रही है क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेने की। अच्छा हाँ, मुझे क्या? चलो अच्छा, इस तरह तुम औरतों को कुछ मालूमात तो हासिल हो जाएंगी ना। अब आपको पता है, शाइस्ता आंटी और खुर्शीद आंटी भी सारी तैयारियां कर रही हैं। तुम्हें किसने बताया? जाहिर है मुझे तो सब कुछ ऐनी ही बताती है। मैं आपको तुम्हें बताने ही भूल गई, ऐनी के शोहर ने उसे 5 लॉन के सूट दिए। लो, वो नहीं लेके देगा तो और कौन लेके देगा? इंजीनियर है, कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क, वो शॉपिंग नहीं कराएगा तो कौन कराएगा? काश फैसल को भी आप इंजीनियर ही बना देती। क्यों? क्या बुराई है फैसल में? अरे मेरा बच्चा छोटा सा था, यतीम हो गया, इतनी मेहनत की उसने, इज्जत की रोटी कमाता है, शुक्र अदा करना चाहिए हम लोगों को। जी सॉरी अम्मा। अच्छा मैम, मैं आपसे कुछ सवाल करूं, आप जवाब देंगी? हाँ पूछ। अच्छा आप ये बताएं, पाकिस्तान बनने का ख्वाब सबसे पहले किसने देखा था? अल्लामा इकबाल ने। अच्छा, दो कौमी नजरिया किसने पेश किया था? अल्लामा इकबाल ने। दूसरे सफर से पूछती, अब ये बताएं, रकबे के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? लो, बलूचिस्तान। अम्मा, आपको तो सारे सवालों के जवाब आते हैं। चलो अब पक्का हो गया, मैं पूरे 2 सूट लूंगी। हैं? 2 सूटों का क्या करेगी बेटा तू? एक आपके लिए, दूसरा मेरे लिए, बस आप ठे सारी दुआएं कर, बस आप दुआ कीजिएगा। अच्छा अम्मा, अब पिछले सफे के ये सवाल मुझसे पूछे, मैं आपको जवाब देती हूँ। अरे इतना छोटा छोटा लिखा हुआ। आबादी के अतबार से सबसे बड़ा मुल्क चीन है, और चीन में बुद्धिस्ट और कम्युनिस्ट होते हैं। अच्छा आप प्लीज वो वाले सवाल करें ना जो पाकिस्तान के हवाले से।
ये बताओ कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कादर आजम मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान के पहले वजीर आजम? लियाकत अली खान। शायर मशरिक कौन थे? इलामा इकबाल। समझ नहीं आ रहा है मुझे, इतने आसान सवालात करेंगे वो तुम लोगों से? नहीं फैसल, वो असल में एनी ने मुझे बताया था कि ये क्विज प्रोग्राम वगैरह जो वो कर रहे हैं ये तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद तो उनका औरतों को नए लॉन के सूट देना है, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए। सब बकवास, सब ढोंग। यहाँ बैठो, बैठो। देखो ये उनका एक तरीका है तुम जैसी सादा और घरेलू लड़कियों को बेवकूफ बनाकर अपनी लॉन की पब्लिसिटी करने का। तुम इस बात को अपने ज़हन से निकाल क्यों नहीं देती है? क्यों फैसल, इसमें हर्ज ही क्या है? अगर मैं क्विज याद करके एक लॉन का सूट जीत जाती हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही तुमसे। मुझे तुम्हारे बचकाना रवैये से प्रॉब्लम हो रही है। देखो इस वक्त तुम्हारी पूरी जिंदगी लॉन के थ्री पीस सूट के इर्द-गिर्द घूम रही है। सोचो समझो, इसके अलावा दुनिया में जिंदगी में और बहुत कुछ है करने के लिए। आप ये कहें कि आपसे मेरी खुशी देखी ही नहीं जा रही, मेरा कोई काम आपको अच्छा ही नहीं लगता। वो दूसरे ही शौहर होते जो अपनी बीवियों को खुश रखने के लिए दिन रात एक कर देते। ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। रहने दे, मैं खुद ही तैयारी करूँ। अम्मा, अम्मा ये देखिए मैं तैयार हो गई, बस आपकी दुआएं चाहिए और ढेर सारी दुआ करना कि कम से कम एक जोड़ा तो मैं जीत ही जाऊं। ये कांटे इसके साथ अच्छे लगे, ये वाले पहनूं या बदलूं? अम्मा, अम्मा अम्मा आप सो रही हैं? अम्मा 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 फैसल, फैसल, फैसल! तो जुबिया, अम्मी की सारी दवाओं का ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। प्लीज मेक श्योर कि हर दवा उन्हें टाइम पर मिले। जुबिया, ए जुबिया, आप कमरे में चलें, मैं बस अभी आ रही हूँ। जुबिया, हाँ? हाँ एनी? तुम जानती हो सभी औरतों ने कुछ ना कुछ जीता था आज। मैंने तुमसे कहा था ना कि क्विज करना तो एक बहाना है, कोई सूट जीती है तो कोई शर्ट पीस। सबने बहुत एंजॉय किया और वो जो जमीला आंटी है ना, उन्होंने तो दो सूट और दो शर्ट पीस जीत लिए। कमबख्त बहुत अच्छी तैयारी करके आई थी। अगर उन्हें ये पता होता कि इस औरत की अलमारी में पहले से इतने सारे जोड़े हैं तो शायद इसको कभी ना देते। कहीं इतने सूट और कहीं कुछ भी नहीं, कितनी नाइंसाफी है ना। जुबी, ओ जुबी, हाँ? तुम कहाँ थी? कुछ नहीं, वो अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, बस उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी। ओहो, उनको पूछ लेना मेरी तरफ से, अच्छा याद से।
हाँ ताला लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। फैसल आपके जूते तो फट गए, मेरे थोड़े से खराब थे तो पूरे फट गए, आप नए ले लें। तुम्हारा दिमाग होश ठिकाने पर है? ये किस किस्म का वाहियात मशवरा दे रही हो तुम मुझे? अंदर अम्मा बीमार पड़ी, उनकी दवाओं का खर्चा किसने उठाना? ये घर का खर्चा कैसे चलेगा अगर मैंने अपने लिए नए जूते खरीद लिए तो? मैं तुम्हारी तरह का खुद खर्च नहीं हूं, तुम तो सारा दिन घर बैठी होती हो, अपने उस लॉन के 3-पीस सूट का सोग मना रही होती। बाहर निकलकर पैसे कमाना कितना मुश्किल काम है, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है इस बात कि मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूं। नहीं लेना मुझे छोड़ा, यही फटा पुराना जूता पहनूंगा, नया नहीं खरीदूंगा, और खाना भी नहीं खाना है मुझे, मुझे डिस्टर्ब मत कर। मेरे घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं और मेरी कमर में शदीद दर्द है, तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ बोलो। मैं ये लिस्ट नीचे भिजवा रही हूँ, ये सामान मुझे ला दो प्लीज। हाँ भेज दो। हाँ हाँ टोकरी में पर्ची है, पैसे भी साथ हैं। ला दोगी ना? हाँ हाँ मैं ले आऊंगी। थैंक यू ज़ोबिया। अम्मा मैं मार्केट तक जा रही हूँ, एनी ने कुछ सामान मंगवाया, आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। जी बस आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। एनी मैं सारी चीजें ले आई हूँ, चेक कर लेना ठीक है कि नहीं। पैसे तो कम पड़ गए होंगे ना? हाँ। कितने और खर्च हुए? हाँ ज़ोबी पूरे हो गए। अरे वाह क्या किफायत शायरी दिखाई। सब ठीक ही लगता है, थैंक यू। मैंने क्या कर दिया, अपने ही दोस्त को धोखा दे दिया। मैंने उसको पैसे वापस न करके बहुत बुरा किया। मैं सुबह ही उठकर उसे पैसे लौटा दूंगी। इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हूँ मैं? एनी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुमसे झूठ बोला था, तुम्हारे बकाया पैसे मैंने तुम्हें वापस नहीं किए थे, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तुम्हारे पैसे तो मैं लौटा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। Thank you.
सॉरी एनी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज़ोबी, तुम यही काम क्यों नहीं शुरू कर देती? क्या काम? ग्रोसरी लाने का। तुम सलीके और किफायतशारी से सामान लाई थी, कुछ पैसे अगर तुम अपने कमीशन के तौर पे रख लो तो उसमें क्या बुराई है? क्या कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बल्कि हो चुका है। तुम्हारा पहला कमीशन इस टोकरी में है, ले लो, इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। बराबर की बिल्डिंग में मेरी नंद है ना, उसको भी कह दूंगी, बल्कि सबसे कह दूंगी कि तुमने ये काम शुरू कर दिया है। इस तरह तुम पैसे भी बनाती रहोगी जिनसे तुम अपनी हर जायज ख्वाहिश पूरी कर पाओगी। एनी, क्या है? शुक्रिया। चल पगली। थैंक यू। ज़ोबिया, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी थी। मुझे एक ट्यूशन मिल गई है। सच? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और इससे ज्यादा एक अच्छी बात ये है कि वो लोग मेरी फीस मुझे एडवांस में दे रहे हैं। तो उससे भी अच्छी बात है। चलो शुक्र है, अब कम से कम आपके नए जूते तो आ सकेंगे ना। फल्ला, मुझे कितनी शर्मिंदगी होती थी, बाहर तो सब देखते होंगे, बस सबसे पहले आपने नए जूते लेने। फिर वही फजूल बात, तुमसे तो बात करना ही बेकार। घर का कफील जब इतना खुद खर्च हो जाता है ना, तो चल पड़े घर। क्या हुआ, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। बताओ ना। मैं सोच रही थी जब बेबी हो जाएगा तो अखराजात कैसे पूरे होंगे। अभी तो हम तीन ही इतनी मुश्किल से गुजारा करते हैं। इस बात पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बच्चा अपना रिज़्क खुद लाता है। पता है फैसल, मुझे फिरोजी कलर बहुत पसंद है, और आजकल फिरोजी कलर के लॉन के सूट में बहुत प्यार प्रिंट्स आए। बस ये कलर होता बड़ा कच्चा, उस दिन एनी ने श्रिंक करके फैलाया हुआ था। फिरोजी कतरे टिप टिप करके हमारी खिड़की पर गिर गए थे, लेकिन फिर भी मुझे ये कलर बहुत पसंद है। एनी फिरोजी कलर का लॉन का थ्री पीस सूट लाई है, और उसका दुपट्टा जो वैसे
जोबिया सारा सामान परफेक्ट लाना ताकि तुम्हें मजीद काम का मौका मिल सके। हाँ हाँ तुम बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल परफेक्ट लाऊंगी। ये बात सुनो, तुमने अपने पड़ोस मैं अगर आपको कुछ बताऊं तो खफा तो नहीं होंगे ना? नहीं बताओ क्या हुआ, खैरियत? वो पिछले कुछ दिनों से अपनी बिल्डिंग और साथ वाली बिल्डिंग की औरतों के लिए सौदा सरफ लाने का काम कर रही थी मैं। मैं कफायत और सलीके से कम पैसों में भावताव करके लाती हूँ, फिर सब लोग मुझे कमीशन देते हैं, सब बहुत खुश है मेरे काम से। अब मैं मिसेज जमील की तरह इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस महीने 3,000 से ऊपर बचा लिए मैंने। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम तकरीबन हर महीने लॉन का एक 3-piece सूट तो ले सकती। लॉन के जोड़े के अलावा भी कई जरूरत है। एक मिनट, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो।
हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू फैस। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी।